अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स के कुछ डिज़ाइन का आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अगर व्यूअर्स आप लोगों को इसी टाइप के और मज़ीद अच्छे अच्छे फ्रॉक्स देखने हैं, आइडियाज़ देखने हैं बेबीज़ के, बेबी फ्रॉक अगर आप लोग स्टिच करना चाहती हैं खुद घर में, तो आप लोग इस टाइप के ड्रेसेस को इजीली कैरी कर सकती हैं और आप लोग अपने बेबीज़ को इजीली पहना सकती हैं। इनको पहनाना कंफर्टेबल है अगर आप लोग इसके बैक पर स्लिट ओपन कर लें और बटन अटैच कर लें या फिर जिप लगा लें, तो बेबीज़ को पहनाना बहुत आसान हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को अच्छे अच्छे न्यू और स्टाइल ड्रेसेस की डिज़ाइन आइडियाज़ और मज़ीद देखनी है, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए किन किन टॉपिक्स पर लेकर आऊँ, जिनको आप लोग देख कर उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को प्यारे प्यारे से बेबी के फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के ट्यूटोरियल्स सीखनी है, तो आप लोगों को ऑलरेडी हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, आप लोग विजिट कर देख कर सीख सकती हैं और बहुत सारी बेबीज़ के फ्रॉक्स आप लोग खुद से भी स्टिच कर सकती हैं। मिलती हूँ एक न्यू और अच्छी सी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को वो वीडियो भी ज़रूर पसंद आएंगी। और आपको आज की वीडियो में कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग के ट्यूटोरियल आप लोग देखना चाहते हैं, बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और सीखना चाहती हैं, तो आप लोग जो आजकल चली हुई हैं पटियाँ, गंदम के दिनों में वैसे चलती हैं वो, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं वो पटियाँ, प्रिंटेड पटियाँ होती हैं वो, उनका कट और स्टिच करके आप लोग बेबी फ्रॉक आप लोग अपनी बेबीज़ को पहना सकती हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहती हैं स्टिचिंग, तो उन पर आप लोग ईजिली स्टिच सीख सकती हैं। मिलती हैं अगली वीडियो के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो प्लीज़ थैंक्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।